हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 11। सबसे पहला जो वाक्य है वह है, मैं एक कलाकार था। इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। मैं एक कलाकार था। मैं सब्जेक्ट है, तो आई पहले सब्जेक्ट, आई के साथ एम, सॉरी था है तो था का वॉस हो जाएगा। एक कलाकार, एक का ए, कलाकार का आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ पे ए नहीं एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड है और वोवल साउंड 5 होता है, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे ए आ रहा है इसलिए एन। आई वॉज एन आर्टिस्ट। तुम एक नेता थे। इसी प्रकार इसको भी बनाना है, यू तुम का यू थे, वेयर एक नेता, ए लीडर। यू वेयर ए लीडर। आप एक डाकिया थे। डाकिया का पोस्टमैन। यू वेयर ए पोस्टमैन। वह एक पुजारी था। He was a priest. मोहन एक गायक था। मोहन was a singer. वह एक नर्स थी। सी वॉज ए नर्स। श्याम बाबू एक शिक्षक थे। श्याम बाबू वॉज ए टीचर। हम लोग गायक थे। We were singers. आप लोग अभियंता थे। You were engineers. तुम लोग मजदूर थे। You were labor, laborers. वे लोग नेता थे। They were leaders. हम लोग किसान थे। We were farmers. वे एक वैज्ञानिक थे। ही वॉज ए साइंटिस्ट। वह सोनार था। ही वॉज ए गोल्ड स्मिथ। मैं एक मोची था।
आई वॉज ए कॉबलर, आप लोग धोबी थे। यू वेयर वॉशरमैन मेन, यू वेयर वॉशरमैन। वे लोग हजाम यानी कि नए थे। दे वेयर बार्बर्स, मोहन और करीम छात्र थे। मोहन एंड करीम वेयर स्टूडेंट्स, तुम एक कलाकार थे। यू वेयर एन आर्टिस्ट, तुम लोग कलाकार थे। यू वेयर आर्टिस्ट्स, मैं एक शिक्षक था। आई वॉज अ टीचर, हम लोग शिक्षक थे। वी वेयर टीचर्स, वह एक चोर था। ही वॉज अ थीप, वे लोग चोर थे। दे वेयर थीप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।